अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग है आज का। आज के व्लॉग में बन रही हैं पूरियां, और ये चेक करें, बड़ी प्यारी प्यारी सी लग रही हैं यार ये बन के इतनी। और ये जो है वो पूरियां तैयार हो रही हैं। मैं लाइटें खोल देती हूँ यार, लाइटें कम लग रही हैं, ये पंखा भी खुल गया। चलो तो लाइटें वगैरह खोल दी हैं मैंने, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इसका कलर कैसा है। तो आप लोग चेक करें, आज हमारे जो है वो अफ्तारी में पूरियां हैं मेन्यू में। कचौरियां भी बनाई थी हम लोगों ने, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बना सकी थी। पूरियों में मैं जो हूँ वो अभी यहाँ पे हाजिर हूँ, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बना ली। और जनाब, एक तरफ जो है वो ये हमारी शेफ नायरा बना रही है, पूरियां बढ़ा रही हैं, बढ़ा रही हैं। एक तरफ पूरियां ये बढ़ रही हैं और एक तरफ बन रही हैं, तली जा रही हैं। और हम बैठ के जो है वो देख रहे हैं, और यहाँ पे अबीरा भी है मेरे साथ। क्या क्या दे दो, क्या दे दो, क्या दे दो। ये फूली है क्योंकि ये अच्छी जो है वो हुई थी, क्या कहते हैं, बेली अच्छी थी। सही सही है, आपने इनके हाथों का कमाल है ना, असल कमाल तो इनके हाथों का है। जी बेटे बोलिए, क्या हुआ, वहां पर है बाहर। चलो चाय तो बन गई हमारी, कहाँ हमारी, बाहर रखी है प्लेटों। हाँ तो सही है ना, वो तो अभी बस रखना ही है ना, बस जूस कौन सा बनाया है। वाह भाई वाह, आज हमारा इसके पूरियों के साथ बेलगिरी का शरबत है। ये भी अच्छी बनी है बहुत, दिल पसंद से भी ज्यादा अच्छी होती हैं ये घर की पूरियां। हाँ क्योंकि यार वो हैवी हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं तरकारी गरम करने रख रही हूँ, यहाँ टाइम कम है। ये तरकारी भी रेडी है, ये गरम करने रख दी है मैंने, हल्की आंच पे कर देती हूँ ताकि आसानी के साथ ये गरम हो जाए आराम से थोड़ी देर तक। ठीक है जी, मैंने हल्की आंच पे रख दी। बाकी ये हमारी यहाँ पे फ्रूट चाट भी तैयार है, ये भी रख दूंगी मैं फिर, अभी ज़रा सा टाइम है, अभी काफ़ी थोड़ा सा है टाइम। रही थी कि आंटियों को अपनी चूड़ियाँ तो दिखा दो जो मम्मा लेकर आई हैं, कैसी लग रही हैं आंटियों को चूड़ियाँ मेरी बेटी की, दिखा तो दो। आंटी आप हमारे हाथ देखें, मेरी मम्मा लाई हैं मेरे लिए चूड़ियाँ, बहुत प्यारी सी ये चूड़ियाँ मेरी मम्मा लाई हैं मेरे लिए। क्या ओह भाई, हमारी पूरी ये फूल गई है, जबरदस्त। वाह यार ये तो बहुत ही अच्छी बनी है, ये वाली देखो ऐसे लग रहा है गोलगप्पा, गोलगप्पा बनी है पूरी, जबरदस्त। क्या दे दे, क्या दे, क्या दे दे, क्या दे दे, क्या। अच्छा यूं तो रखो हाथ, इतने प्यारे मेरी बेटी के हाथ लग रहे हैं ऐसे चूड़ियों में, वाओ मम्मा। पूरी इनकी नंदन कितनी खाएंगे, एक पहले से क्यों नहीं बता दिया। हलवा बना लेते पूरियों के साथ। हाँ वही तो कह रही हूँ, तरकारी के साथ ज्यादा अच्छी खा मतलब लगती है ये।
और मुझे तो छोलों से ज्यादा अच्छी आलू की लगती है। आबिर को छोलों की चाहिए होती है, वो कहेगा छोलों की क्यों नहीं बनाई। लेकिन मुझे ज्यादा आलू की तरकारी अच्छी। मैं यही सोच रही थी उबले हुए छोले होते तो बना देती।